एक शादी के घर में दूल्हे का स्वागत करने के लिए 10 कुंवारियां तैयार हो रही थी। सब तैयार होने के बाद अपनी अपनी मशाले ली और उनमें से 5 कुवारियां समझदार थी, जिन्होंने अपने साथ मशाले को लिया और साथ ही साथ अपने कुप्पियों में तेल भी भर लिए और उसे भी रख लिया। और 5 कुवारियां मूर्ख थी, जिन्होंने अपने साथ मशाले तो ली पर अपने साथ तेल नहीं लिया। फिर वो 10 कुवारियां दूल्हे के स्वागत के लिए निकल गई। वे सब बड़े ही उत्साह से वहां पर दूल्हे का इंतजार कर रही थी और आपस में बातें कर रही थी, पर धीरे धीरे वे सबको नींद आने लगी और दूल्हे को भी आने में देरी हो गई। तो वे सब कुंवारियां इंतजार करते हुए वहां पर सो गई। और अचानक आधी रात को धूम मची कि देखो देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां नींद से उठकर अपने अपने मशालों को वे ठीक करने लगी, क्योंकि उनकी मशाले तब तक बुझी जा रही थी। वे समझदार कुंवारियां जिनके पास कुप्पी में तेल थे, वे सब अपने मशाले में तेल डालकर मशाले को ठीक करने लगी। पर वो 5 मूर्ख कुंवारियां जिनके पास तेल नहीं थी, वे आकर समझदार कुंवारियों से कहने लगे कि अपने तेल से हमें भी धो, क्योंकि हमारी मशाले बुझ रही है। पर समझदार कुंवारियों ने यह कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा नहीं होगा। इससे तो अच्छा यह होगा कि तुम बेचने वाले के पास जाकर अपने लिए तेल खरीद लाओ। तब वे मूर्ख कुंवारियां घबरा गई और वे तेल खरीदने के लिए भागने लगी, ताकि दूल्हे आने से पहले वे जाकर तेल खरीद लाए। पर जब वे मूर्ख कुंवारियां तेल को मोल लेने गई थी, उसी समय दूल्हा वहां आ पहुंचा और जो समझदार कुंवारियां वहां पर तैयार थी, उनके साथ वह विवाह के घर में चली गई और विवाह के घर का द्वार बंद किया गया। इसके थोड़े ही देर बाद वे मूर्ख कुंवारियां भी वहां पहुंची और कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। पर उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो यीशु मसीह हमें पापों से, श्रापों से, बीमारियों से छुड़ाने के लिए, हमें बचाने के लिए उन्होंने जन्म लिया और अपना उन्होंने लहू बहाया और वो क्रूस पर मरे
और तीसरे दिन वो जी उठे और उन्होंने हमें बोला कि पृथ्वी के छोर तक इस सुसमाचार को फैलाना, यीशु मसीह के बारे में बताना, और वो हमारे लिए घर को तैयार करने के लिए स्वर्ग में गए और वो हमें अभी जल्दी लेने के लिए आने वाले हैं। तो हमें हर वक्त तैयार रहना है, जागते रहना है। उस पांच समझदार कुंवारियों की तरह हमें हर वक्त तैयार रहना है, हमारा दीपक जलते रहना है। तब हम, जब यीशु मसीह आएंगे, तब हम उनके साथ स्वर्ग में जाएंगे और हम आनंद से रहेंगे। तो हमेशा हमारा दीपक जलते रहना चाहिए।